हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रतिभा एकेडमी। मैं हूं कपिल दुबे और आपने मेरी मिसलिनियस सीरीज देखी होगी, जिसमें मैंने अभी स्पोर्ट्स सेक्शन के बारे में वीडियोस अपलोड करे। इसमें मैंने दो वीडियोस अपलोड करे। एक पहला जो वीडियो था वो खेल और खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित था। दूसरा जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने राष्ट्रीय खेल, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में चर्चा करी थी। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ने डिमांड रखी है कि सर आप पॉलिटी से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड करिए। तो उसी बात को ध्यान रखते हुए मैं आज यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इंडियन पॉलिटी को लेकर जितने भी वीडियोज़ हों पूरी सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे और आपको यूट्यूब पर पूरे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारी हेडिंग है भारतीय संविधान। यहाँ पे लिखा है मैंने संविधान के भाग। तो हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और हमारे संविधान में कुल जो अनुच्छेद थे 395 थे। अगर वर्तमान में हम बात करें तो सभी संशोधनों को मिला लिया जाए तो इनकी संख्या कुल हो गई है 448, लेकिन मूलतः ओरिजिनल जो आर्टिकल हैं या अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 395 है। संविधान में 8 अनुसूचियां थीं जिनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 12 हो चुकी है। संविधान में 22 भाग थे और आज भी कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। लेकिन जनरली आपने देखा होगा कहीं कभार कभी जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, और होता क्या है कि उसमें 22 ऑप्शन होता नहीं, और कई लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, जबकि वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है क्योंकि उसमें ऑप्शन जो होता है इनमें से कोई नहीं होता। उसमें चारों ऑप्शन जो होते हैं जैसे 18, 20 या 24 या 25, इस तरीके के अगर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो आप बिल्कुल आंसर लगाएं 25। अब 25 कैसे हो गए भाग? तो अगर हम सभी भाग को जोड़ लें, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है 1, 2, 3, 4 और 4 का ए, तो ये भाग 4 में आता है, लेकिन अगर हम इसे अलग से काउंट कर लें तो ये 5वां भाग हो गया। तो अगर ऐसे हम गिने तो कुल कितने भाग हो जाएंगे हमारे पास? 25। लेकिन ओरिजिनल जो मूलतः जो भागों की संख्या है वो कितनी है? 22 है। तो आपको याद रखना है भाग कितने? 22। अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है और उसमें ऑप्शन 22 नहीं है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है, तो आप उसका आंसर क्या लगाएंगे? 25। अगर ऑप्शन में दिया है तो आप 25 ही आंसर लगाएंगे। चलिए तो देर नहीं करते, इनको याद करने का तरीका देखते हैं कि कैसे इनको याद करना है। तो सबसे पहले भाग एक, अगर हम भाग एक की बात करें तो भाग एक में मैंने लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब होता है यूनियन और का मतलब होता है एंड इट्स टेरिटरी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाग एक में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो आपको इन 22 भाग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे संविधान को कितने भाग में बांटा गया है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस भाग में कितने आर्टिकल हैं, और ये आर्टिकल किस चीज़ से संबंधित हैं। लोग बोलते हैं कि सर आर्टिकल याद नहीं हो रहे। अगर आपको आर्टिकल याद करना है, आपको पूरे संविधान को समझना है, तो सबसे पहले आपको संविधान के भाग को याद करना जरूरी है, संविधान के भाग को समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तो भारत एक संघ है, उसमें कितने राज्य हैं, कौन सा राज्य जोड़ा जाएगा, उसका नाम क्या किया जाएगा, ये सब कहाँ से समझेंगे हम? भाग एक के द्वारा किया जाता है। कितने आर्टिकल? 1 से 4। दूसरा भाग है नागरिकता। नागरिकता को हम बोलते हैं सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से शुरू होती है, कहाँ तक जाते हैं? 11 तक। यानी 5 से लेकर जो भी आर्टिकल है वो सब सिटीजनशिप से संबंधित है कि हमें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, वंश से, ठीक है, जन्म से। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कौन से आर्टिकल में दी गई हैं? 5 से लेकर 11 तक। यानी 5 से 11 तक जो आर्टिकल हैं सब किससे संबंधित है? नागरिकता से। और कौन से भाग में आएंगे? भाग 2 में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है वो है भाग 3, इसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी जानकारी दी गई संविधान के भाग 3 में, जिसे हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। कहाँ से शुरू होंगे? 12 से शुरू होंगे और 35 तक जाएंगे, यानी 12 से 35 तक जो सब आर्टिकल आ रहे हैं ये सब आर्टिकल किससे संबंधित है? आपके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। नेक्स्ट भाग की ओर बढ़ते हैं, भाग 4। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी नीति निर्देशक तत्व जो शुरू होते हैं वो 36 से शुरू होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं? 51 से। यानी 36 से अगर हम 51 तक जाएं तो केवल किसकी चर्चा करी गई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। अब भाग 4 का ए, जो कि बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 में भाग 4 का ए जोड़ा गया है, जिसमें कौन सी चीज डाली गई? मौलिक कर्तव्य, और इसका आर्टिकल है 51 का ए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो हमने क्या बोला, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 ए जोड़ा गया है, जिसमें
क्या डाला गया, मौलिक कर्तव्य, कौन सा आर्टिकल 51 का ए। अब एक और क्वेश्चन यहीं से संबंधित है, क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो इसके द्वारा बहुत सारे चीज़ें जो थी वो हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, इसलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 को क्या बोला जाता है, लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है भाग 5 संघ यानी कि यूनियन, भाग 6 यानी कि राज्य यानी कि स्टेट। तो इस तरीके से हम ये भाग 10 तक अभी चलेंगे। साथ में लिखा है पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य, इंग्लिश में बोलेंगे द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। इसे सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया है। कौन सी धारा के द्वारा? धारा 29 के द्वारा। तो अब ये हमारे संविधान में नहीं है। नेक्स्ट भाग जो है वो है हमारा भाग 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। 239 से शुरू होता है, 242 तक जाता है, यानी यूनियन टेरिटरीज की जो चर्चा करी गई 239 से शुरू होती है और कहाँ तक जाएगी, 242 तक जाएगी। अब आ जाते हैं भाग 9 पे, भाग 9 और 9 का ए, पंचायत और नगर निगम। पंचायत के जो आर्टिकल हैं 243 ए से लेकर ओ तक, यानी ए से लेकर ओ तक 243 में जो चर्चा करी गई है ये किसकी चर्चा करी गई, पंचायत की। 9 का ए नगर निगम 243 पी से शुरू करते हैं, जेड तक जाते हैं, फिर जेड का ए बी सी डी ई एफ जी, यानी जेड जी तक जो चर्चा करेगी वो किसकी चर्चा करेगी, नगर निगम की। अब भाग 10 की हम बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आर्टिकल 244 और 244 के ए में हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चर्चा करी है। तो ये तो हमारे हो गए भाग, कितने भाग हमने देख लिया अभी, 10। अब ये तो हमने समझ लिया कि 10 भाग में कहां पर कौन सी चीज दी गई है, लेकिन इसको याद कैसे किया जाए, तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको याद करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो मेरा खुद का तरीका है और हो सकता है आपको पसंद भी आए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे आपको देखना है कि आप कहाँ पर रहते हो, आप भारत में रहते हो। अब भारत क्या है, भारत है एक संघ यानी कि यूनियन। अब यूनियन कैसे बना, यूनियन बना उसमें 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन सबको जोड़ लिया जाए तो भारत क्या है, भारत एक संघ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हम रहते हैं भारत में और भारत एक संघ है, इसमें 29 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भाग एक में क्या आ जाएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल आएंगे 1 से 4। तो पहली चीज क्लियर हो गई, हम रहते हैं भारत में, भारत में 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको मिला दिया जाए तो बन जाएगा संघ और उसकी सीमा यानी कि उसके राज्य क्षेत्र, कहाँ उसका विस्तार है, कैसा क्या है। तो भाग एक में आ गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, अब देश बन गया, तो देश में कौन रहते हैं, हम जैसे लोग रहते हैं। अब इन लोगों के पास क्या होगी, इनको कुछ देना पड़ेगा रहने के लिए, हम परमिशन देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, नागरिकता। तो अब भाग दो में जो आ जाएगी वो क्या होगी, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो सबसे पहले देश बना, देश में नागरिक आए और नागरिकों के पास क्या आ गई, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 5 से 11। अब नागरिक आ गए, उनको नागरिकता मिल गई, अब उनको कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे। तो जन्म से जो अधिकार हमें मिल जाते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो भाग तीन में क्या आ गया, मौलिक अधिकार। 12 से शुरू होंगे और कहाँ जाएंगे, 35 में। एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले मैंने बोला कि हम रहते हैं भारत में, भारत है एक संघ, तो भाग एक में क्या आएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। फिर उसमें देश, इस देश में क्या रहते हैं लोग, लोगों की क्या दी गई है, नागरिकता। तो भाग दो में क्या आ जाएगी, नागरिकता। नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए जिनको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। भाग तीन में क्या आ गया, मौलिक अधिकार। अब आगे बढ़ते हैं भाग चार की तरफ। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो हम रहते तो भारत में हैं, हम भारत की नागरिकता लिए हुए हैं, लेकिन हम किसी न किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं और मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, तो मध्य प्रदेश की नागरिकता तो मेरे पास होगी नहीं क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, तो मेरे पास भारतीय नागरिकता है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मध्य प्रदेश क्या है, राज्य। तो राज्य की भी अपने निवासियों के प्रति क्या है, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तो राज्य ने इन जिम्मेदारियों को पूरा किया और अपने निवासियों के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व जो है वो तय किए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आ गए, 4 में। अब सब कुछ देश ने हमें दे दिया, हमारे राज्य ने हमें दे दिया, अधिकार दे दिए, नागरिकता दे दी, नीति निर्देशक तत्व दे दिए। तो अब देश के नागरिकों का, राज्य के निवासियों का अपने राज्य और अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ तो कर्तव्य होगा। तो भाग 4 का ये क्या आ गया, मौलिक कर्तव्य। इसे कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1976 को बोला जाता है लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में जोड़े गए? 51 का ए। क्लियर हो गया, एक बार फिर से देख लेंगे बाद में जब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी कितने भाग पढ़ ली? 1 से लेकर 4A तक। सबसे पहले हमने बोला कि भारत में हम रह रहे हैं, भारत एक संघ है, संघ के बाद अगर उसमें नागरिक आ गए तो नागरिकों को क्या दी जाएगी? नागरिकता। अब नागरिकता मिलने के बाद नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, तो क्या आ गए? अधिकार। अधिकार के बाद हम रहते हैं राज्य में, हम राज्य के निवासी हैं, राज्य का भी कुछ ना कुछ कर्तव्य तो क्या तय किए गए? नीति निर्देशक तत्व। अब सब नागरिकों को मिल गया, निवासियों को मिल गया, तो हमारा भी कुछ देश के प्रति कर्तव्य है, तो फिर क्या आ जाएंगे? मौलिक कर्तव्य। अब आगे बढ़ते हैं, भाग 5 की बात करते हैं। भाग 5 संघ, संघ को हम बोलते हैं यूनियन, संघों को क्या बोलते हैं? यूनियन। तो अगर हम बात करें भारत में, तीन चीजें सबने सुनी होंगी, एक सुनी होगी केंद्र सरकार, एक सुनी होगी राज्य सरकार, और तीसरी सुनी होगी केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सबसे पहले केंद्र को तवज्जो दी जाती है, उसके बाद राज्य को, और फिर केंद्र शासित प्रदेश को। और इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है भाग 5 में है यूनियन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत में आज किसका शासन चल रहा है, तो हर आदमी बोलेगा मोदी जी का शासन चल रहा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र सरकार के नेता है वो, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले आते हैं भारत में। तो अगर हम बात करें मोदी जी की चल रही है, तो वो कहाँ पे हैं? केंद्र में। तो केंद्र से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी वो कहाँ से शुरू होंगी? 52 से 151 तक जाएंगी। जैसे राष्ट्रपति आ गया, हमारा उपराष्ट्रपति आ गया, प्रधानमंत्री आ गया, हमारी मंत्रिपरिषद आ गई, संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये सब चीजें हमें कौन से भाग में मिलेंगी? भाग 5 में। और भाग 5 को हम क्या बोलते हैं? संघ यानी कि यूनियन, केंद्र। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? केंद्र की। अब भाग 6 में क्या आ गया? राज्य। तो केंद्र के बाद हम किसकी चर्चा करते हैं? राज्य की। अब राज्य में इसमें, इस भाग में क्या क्या दिया गया? तो इसमें राज्यपाल दिया गया है, मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है, मुख्यमंत्री की भूमिका, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, हमारा महाधिवक्ता। तो जितनी भी चीजें हैं राज्य से रिलेटेड वो कौन से भाग में आएंगी? भाग 6 में। कहाँ से शुरू होगा? 152 से शुरू होगा और 237 तक जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भाग 7। अब 7 की हम बात करें तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि 7 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो आपके जीवन में बहुत सारे लोग आए और वो आपका साथ छोड़ के चले गए। ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में बहुत सारे लोग आए और आपका साथ छोड़ के चले गए, या फिर आपने बहुत सारे लोगों का क्या कर दिया? साथ छोड़ दिया। तो इसको आपको याद रखना है कि साथ छोड़ने से ये याद रखना है कि साथ क्या करना है? छोड़ना है। इसको आप माइंड में बिल्कुल भी याद मत करें, ये मेरी गारंटी के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो साथ क्या करना है? छोड़ना है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? केंद्र की यानी कि यूनियन। फिर उसके बाद आता है स्टेट, स्टेट के बाद साथ क्या करना है? छोड़ना है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाग 8 की तरफ, ये है केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 7। और कौन से भाग में आते हैं? भाग 8 में आते हैं। तो अगर हम एक सीक्वेंस बनाएं तो सबसे पहले केंद्र, केंद्र के बाद आ गया राज्य, और राज्य के बाद आ जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश। बीच में एक भाग पड़ा 7, तो 7 को क्या करना है? छोड़ना है। तो अब भाग 8 की अगर हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश, एक और तरीका मैं आपको बता दूंगा। आप लोगों ने एक फेमस मूवी थी जिसका नाम है हम साथ साथ हैं, तो आपको वहां पे याद रखना है हम साथ साथ ही की जगह हम साथ 8 हैं, यानी हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। और कौन से भाग में आते हैं? भाग 8 में आते हैं। तो यहां पे एक लाइन याद रख लेना, हम 7 8 हैं, यानी हम हैं कुल कितने? 7। और कौन से भाग में आते हैं? 8। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 7, जो कि आते हैं भाग 8 में। कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 239 से लेकर 242 तक। अब भाग 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम भाग 9 की बात करें तो जैसे मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी और लगभग एक साल तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे घर के लोग, या मैं घर जाता था तो जैसे बस से उतरता था तो पान की दुकान वाला या चाय की दुकान वाला पूछता था कि क्यों भैया सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो हर जगह मैं कहीं पर भी जाता था तो एक ही सवाल होता था कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। और मेरे पड़ोस में रहती थी बबली आंटी, और बबली आंटी की बिटिया सेलेक्ट हो गई, तो हर आदमी बोलता था कि बबली की बेटी तो सेलेक्ट हो गई, तुम्हारा लड़का कब सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, किराने की दुकान पर जाएँ, हम अपने मोहल्ले में जाएँ, हम अपने रिश्तेदारों के पास जाएँ, तो हर आदमी यही पूछता है कि भैया आपका सिलेक्शन कब होगा, आपकी नौकरी कब लगेगी। और जब हम घर में बैठते हैं तो
पापा भी फिर पूछ ही लेते हैं, मम्मी भी पूछ लेती है कि बेटा कब होगा तुम्हारा सिलेक्शन। तो हम फिर हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट, परेशान हो जाते हैं कि यार आखिर हम मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर से मम्मी पापा भी परेशान कर रहे हैं। तो हर जगह सिलेक्शन की क्या चलती है, पंचायत। तो जब भी पापा आपके घर में पंचायत करें तो पापा को बोलना है पापा नो पंचायत। पापा को क्या बोलना है, नो पंचायत, यानी कि भाग नौ में क्या आ जाएगा, पंचायत आ जाएगा। कोई भी आपसे कभी भी सिलेक्शन को लेकर सवाल करे तो आपको बोल देना नो पंचायत। तो कोई पंचायत नहीं करनी है, नो पंचायत। तो भाग नौ में जो आया वो क्या आ गया, पंचायत आ गया। अब बढ़ते हैं भाग दस की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है शेड्यूल कास्ट बोलते हैं अनुसूचित जाति जिसको हम बोलते हैं SC, और शेड्यूल ट्राइब्स इसको हम बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। अगर हम यहाँ से देखें तो ये एस किसकी तरीके से दिख रहा है, अगर हम अंक की बात करें तो ये पाँच के जैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमने एक ये उठा लिया और यहाँ से हमने एक ये उठा लिया, हमने दोनों को जोड़ दिया, 5+5 इक्वल्स टू कितना बन गया, 10। SC का एक 5, ST का एक 5, दोनों 5 हमने जोड़ लिए, टोटल जो योग हो गया वो कितना हो गया, 10। यानी कि SC और ST कौन से भाग में आएंगे, भाग 10 में आएंगे। यहाँ पे भी लिख देता हूँ SC + ST, एक 5 ये निकाल लिया और एक 5 ये ले लिया, दोनों 5 और 5 को जोड़ दिया तो कितने, 10। तो भाग 10 में आ जाएंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ये हमने अभी कितने भाग की चर्चा कर ली, 10 भाग की। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले मैंने बोला कि हम रहते हैं भारत में, भारत क्या है, संघ। तो भाग एक में क्या आ गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब देश है तो देश में जो लोग रहेंगे उनके पास क्या होगी, नागरिकता। तो भाग दो में क्या आ गया, नागरिकता। अब नागरिकों के पास क्या होंगे, अधिकार। तो तीन में क्या आ गया, मौलिक अधिकार। अब हम रह तो रहे हैं भारत में लेकिन मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं तो राज्य की भी कुछ जिम्मेदारियां, तो क्या तय किए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग चार में क्या आ गया, नीति निर्देशक तत्व। अब सब देश ने हमें दे दिया, नागरिकों को दे दिया, निवासियों को दे दिया, तो उनके भी कुछ कर्तव्य देश के प्रति। तब भाग चार के ए में क्या आ गया, मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया, 51 का ए इसका आर्टिकल है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे केंद्र की, भाग पांच में आ गया केंद्र। भाग छह में आ गया राज्य। सात क्या करना है, छोड़ना है। भाग आठ में आ गए केंद्र शासित प्रदेश, हम 7-8 हैं, यानी कि हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश है 7, आते हैं भाग आठ में। भाग नौ को हमने याद किया, नो पंचायत। कोई भी पंचायत कर रहा है तो हमेशा क्या बोल रहे हैं, नो, यानी कि भाग नौ में क्या आएगा, पंचायत। 10 की हमने बात करी, 10 में आते हैं SC और ST। एक S और दूसरा S जोड़ा, दोनों 5 के जैसे लग रहे हैं, तो 5+5 इक्वल्स टू कितना आ गया, 10। यानी SC और ST कौन से भाग में आएंगे, भाग 10 में आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखें। अगर आप इसके आगे वाला पार्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको मज़ा आने लगेगा। आप एक जो बोरिंग हमें लगता है जब हम पढ़ाई करते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, ये कैसे हम इतनी सारी चीज़ें याद करेंगे, तो बहुत सारे तरीके इनको याद करने का। मैं आशा करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।